ब्रह्मांड में हर पल अनंत ऊर्जा तैर रही है। प्रकृति के कण कण में इस ऊर्जा का संचार है। यही वो ऊर्जा है जिससे दिन और रात होते हैं, फूल खिलते हैं, पेड़ों पर मीठे फल आते हैं, बारिश होती है, पक्षी उड़ते हैं, जानवर दौड़ते हैं। आपके चारों ओर आप जो भी गतिविधि देख रहे हैं उन सब के पीछे ब्रह्मांड की यही ऊर्जा काम कर रही है। आमतौर पर इस ऊर्जा को हम अपने जीवन की सभी घटनाओं से जोड़कर देखते हैं, मगर क्या आप जानते हैं हमारी इस पृथ्वी पर ऐसी भी जगह है जो ब्रह्मांड की इस अनंत ऊर्जा का केंद्र है। यहां जमीन के भीतर से इतनी शक्ति प्रवाहित हो रही है कि वैज्ञानिक भी हैरान है। तो रहस्य में आज हम आपको धरती के ऐसे ही पावर सेंटर के करीब लेकर जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सफर और चलते हैं अनंत ऊर्जा के एक रहस्यमय केंद्र में। देवभूमि का वो चमत्कारी लोक जहां तैर रही है अनंत ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा। पृथ्वीलोक का वो तीसरा स्तंभ जहां से निरंतर हो रहा प्रचंड ऊर्जा का प्रवाह। माता का वो दिव्य मंदिर जिसकी महिमा देख नासा के वैज्ञानिक भी हो गए हैरान। तप और साधना का वो रहस्यमय केंद्र जिसने साधु संतों को दिया ध्यान और परम ज्ञान। देवों की भूमि का वो विराट पर्वत जिसके सीने में समाई है समस्त ब्रह्मांड की अनंत शक्ति। जहां ध्यान लगाने से मन को मिलती है असीमित शांति, दूर हो जाते हैं सभी कष्ट। पहाड़ों पर दुनिया का पावर सेंटर और वो भी एक मंदिर के अंदर, सुनकर हैरानी होती है ना। ऐसी हैरानी नासा के वैज्ञानिकों को भी हुई थी जब उन्हें यह पता चला कि यहां तो धरती के भीतर बेहिसाब ऊर्जा मौजूद है। अब वैज्ञानिक हैं तो लगे शोध में, जमीन खोदकर पता लगाने कि आखिर यह ऊर्जा आ कहां से रही है। जब शोध करते करते थक गए, वैज्ञानिकों के तमाम उपकरण फेल हो गए, तो वैज्ञानिकों ने इसे कुदरत की महिमा बता दिया। पहाड़ों के सीने में ब्रह्मांड की ऊर्जा कहां से आ रही है, जानना चाहते हैं? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड को यूं ही नहीं देवों की भूमि कहा जाता है। इस भूमि के कण कण में देवताओं का वास है। महादेव की ये महान धरा अपने गर्भ में न जाने कितने राज समाये हुए हैं। यहाँ भक्ति भी है और शक्ति भी है, महिमा भी है और मुक्ति भी है, चमत्कार भी है और रहस्य भी। ऐसे अद्भुत रहस्य जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के लिए भी अनसुलझी पहेली बन गई। आज हम आपको ऐसी ही दिव्य धाम के दर्शन कराएंगे जहां विज्ञान भी आकर अलौकिक चमत्कार का साक्षी बन जाता है। हम बात कर रहे हैं अल्मोड़ा के कसार देवी मंदिर की। ये मंदिर अपने अनोखे चुंबकीय चमत्कार के चलते लोकप्रिय है, जिसके बारे में जानने के लिए अक्सर यहाँ वैज्ञानिक भी आते रहते हैं, लेकिन इस चमत्कार के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। आज हम आपको कसार देवी मंदिर के एक एक रहस्य के बारे में विस्तार से बताएंगे। नासा के वैज्ञानिक भी इस अद्भुत चमत्कार को देखकर दंग हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अल्मोड़ा के कसार देवी मंदिर दक्षिण अमेरिका के पेरू स्थित माचू पिच्चू और इंग्लैंड के स्टोनहेंज में एकदम अनोखी और अद्भुत चमत्कारिक समानताएं पाई गई हैं। कसार देवी मंदिर परिसर में जीपीएस 8 केंद्र चिन्हित किया गया है। इसको लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ग्रेविटी पॉइंट के बारे में बताया है। प्रमुख मंदिर के द्वार पर बाईं ओर नासा ने यह स्थान चिन्हित करने के बाद ही जीपीएस 8 लिखा है। नासा के मुताबिक अल्मोड़ा में जिस जगह कसार देवी मंदिर मौजूद है वो भारत की एकमात्र ऐसी जगह है जहां चुंबकीय शक्तियां मौजूद हैं। मंदिर के आसपास कई जगह हैं जहां धरती के अंदर बड़े बड़े भूचुंबकीय पिंड हैं। कसार देवी मंदिर के आसपास का क्षेत्र वैन एलन बेल्ट है। आज
आसान शब्दों में इसे ऐसे समझिए, यहाँ इतनी शक्तिशाली चुंबकीय ऊर्जा है जिसे ध्यान और योग की मदद से जन कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसी ऊर्जा दुनिया में अब सिर्फ 3 जगह पर मौजूद है, जिसमें कसार देवी मंदिर भी एक है। इस मंदिर से जुड़ी शक्तियों का भेद जानने के लिए यहाँ नासा के वैज्ञानिक भी आए, लेकिन आखिर में वो खाली हाथ ही लौटे, बस GPS 8 का टैग देकर। मतलब देवभूमि का ये कसार देवी मंदिर चमत्कारी और रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र है, जिसके आगे दुनिया भर के वैज्ञानिकों तक ने सिर झुका लिया है। ऐसे में अल्मोड़ा के इस सिद्ध मंदिर को जब नासा ने GPS 8 का टैग दिया, तो हमने मौजूदा धामी सरकार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से उनकी प्रतिक्रिया जानी। क्या है ये वैन हीलिंग वे? संसार में 3 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वैन एलन बेल्ट क्रस्ट तक आ जाती है, धरती की सतह तक पहुँच जाती है, जिससे कि कॉस्मिक रेज निकलती हैं और सेल्फ हीलिंग होती है। पेरू के अंदर माचू पिचू के अंदर ये स्थान हैं, जहाँ के वहाँ के राजा लोग इनका जो है इसका फ़ायदा उठाते थे और यहाँ पर वो रहते थे माचू पिचू। दूसरी जो जगह है वह है स्टोनहेंज, जहाँ पर ड्रुइड्स जो हैं वहाँ पर साधना करते थे और वहाँ पर पूजा करते थे, और वो बहुत बड़ा स्थान है स्टोनहेंज। तीसरा स्थान हिंदुस्तान के अंदर है कसार देवी के अंदर, जहाँ पर लोग मेडिटेशन करते थे। यहाँ पर काफ़ी लामाज आए हैं, यहाँ पर काफ़ी हमारे बीटल्स भी आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं जिन्होंने यहाँ हीलिंग की है, और काफ़ी अंग्रेज़ भी यहाँ पर रहते हैं सेल्फ हीलिंग के लिए। तो ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मेडिटेशन में सहायता मिलती है, मेडिटेशन एक्सेलरेट होती है और आपका ध्यान केंद्रित होता है। तो आइए इन स्थलों पर चल करके हम इसका लाभ लें। तो पहाड़ों में मौजूद शक्ति के स्रोत का तो वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए, हाँ ये जरूर बताया कि यहाँ चुंबकीय शक्तियां मौजूद हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस। GPS 8 टैग देकर वैज्ञानिक लौट गए, मगर क्या आप जानते हैं कि यह शक्ति लोगों के कितने काम आ रही है? इस ऊर्जा का इस्तेमाल अब जगत कल्याण के लिए हो रहा है। यहां भक्ति में शक्ति है, ध्यान में ज्ञान है, और इसी ज्ञान को पाने के लिए लोग यहां खींचे चले आते हैं। यहां साधना जीवन को सरल बना देती है। कैसे, आइए बताते हैं आपको। उत्तराखंड सरकार का जवाब आपने सुन लिया, हमने आपको इस मंदिर के वैज्ञानिक और भौगोलिक पहलुओं के बारे में भी बता दिया। अब जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़ी चमत्कारी शक्तियां और मान्यताएं क्या हैं। कसार देवी मंदिर और उसके आसपास अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह है। माना जाता है कि ये ऊर्जा लोगों को अपनी ओर खींचती है। इस जगह पर तप और ध्यान करने से मानसिक शांति का अनुभव होगा, शरीर से कई रोगों और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। यही वजह है कि यहाँ देश और दुनिया के कई बड़े संत साधना कर चुके हैं। कसार देवी मंदिर परिसर का स्वामी विवेकानंद से गहरा नाता रहा है। साल 1890 में स्वामी विवेकानंद ध्यान लगाने के लिए कुछ महीने यहाँ ठहरे थे। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की गुफा भी मौजूद है, जहाँ लोग आज भी ध्यान लगाते हैं। कसार देवी मंदिर में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, तिब्बती बौद्ध गुरु लामा अंगारिका गोविंदा, पश्चिमी बौद्ध शिक्षक रॉबर्ट थुरुमैन भी आ चुके हैं। ये क्षेत्र 1980 के दशक के हिप्पी आंदोलन में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। कसार देवी मंदिर समेत देवभूमि की महिमा के बारे में अब कुछ और बातें सुन लीजिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से, जो खुद भी अध्यात्म की दुनिया से गहराई से जुड़े हैं। यहाँ पर यह है कि माचू पिचू में काफ़ी लोग जाते हैं, स्पिरिचुअली भी जाते हैं, इस प्रकार से स्टोनहेंज में भी जाते हैं। वहाँ पर बताया जाता है इस प्रकार की पूजा पद्धति उनकी थी, और हमारे यहाँ कसार देवी के अंदर जहाँ विवेकानंद जी बैठ करके उन्होंने मेडिटेशन की, और निश्चित रूप में वो बहुत ही सुंदर स्थान है और काफ़ी लोगों को वहाँ पर बहुत से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जैसे ही लोग वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि हम ट्रांस में चले जाते हैं, हमें काफ़ी मेडिटेशन में सहायता मिलती है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो कॉस्मिक रेज का फायदा तो होता ही। कसार देवी मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं। माना जाता है कि माता कात्यायनी इस मंदिर में साक्षात अवतरित हुई थीं। कसार देवी मंदिर में देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि इसके वैज्ञानिक महत्व भी है। इस मंदिर की फिजाओं में ऊर्जा का प्रवाह साफ महसूस किया जा सकता है। कसार देवी मंदिर लोगों के मन को असीमित शांति का अनुभव कराता है। वैज्ञानिक आज भी मंदिर की ऊर्जा का रहस्य पता लगाने में जुटे हैं, तो वहीं साधु संत
और श्रद्धालु इस दिव्य धाम के चमत्कार के आगे नतमस्तक हैं। कसार देवी मंदिर अध्यात्म और विज्ञान का अनूठा संगम है। तो आमतौर पर देखा जाता है कि विज्ञान आध्यात्म की दुनिया पर ज्यादा विश्वास नहीं करता है। विज्ञान में साक्षात ही प्रमाण है, जो खोज लिया उसी पर यकीन किया जाता है। लेकिन आध्यात्म की यह ताकत है कि इसके जरिए इंसान उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे देखना और समझना किसी के बस में नहीं है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कहते भी हैं कि जहां जाकर विज्ञान समाप्त हो जाता है, आध्यात्म वहां से शुरू होता है। इसीलिए कसार देवी की महिमा भी कुछ अलग ही है। इस शक्ति को न सिर्फ आध्यात्म से जुड़े साधु संतों ने जिया है, महसूस किया है, बल्कि नासा जैसे वैज्ञानिक संगठनों ने भी इसे महसूस किया, माना कि कसार देवी मंदिर की ऊर्जा इंसानों के बस से बाहर की चीज है। तो रहस्यम की इस कहानी में फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए रहस्य के साथ। आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।